हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई ब्लॉग वीडियो में। कैसे हो आप लोग? होप सो आप सभी ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद एक बार आज फिर से मौका मिल गया है फॉरेस्ट में विजिट करने का। हम जा रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ के लोकल एरिया का घराट है, जो कि अभी बंद हो चुका है क्योंकि अब तो है हर गांव में लगभग बिजली से चलने वाली चक्कियां आ चुकी हैं। साथ ही है एक छोटी सी रिवर। तो यहाँ के जंगलों में आपको वैरायटी ऑफ ट्रीज देखने को मिलेगी, जिसमें अपना गुलाबी ब्रांस, वान, देवदार और स्प्रूस आदि इस तरह के कई वैरायटी ऑफ ट्रीज देखने को मिल जाती है। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है ये। पीछे बैकग्राउंड में आपको छोटे छोटे पक्षियों की आवाज़ भी सुनने को मिलेगी। यहाँ पर ये है फॉरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा घना है, देख सकते हो आप यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भालू भी पाए जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर बांध के पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा अधिक हैं, तो उनके जो बीज होते हैं सर्दियों के समय जब ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है तो भालू वगैरह इन्हीं एरियाज़ में आते हैं और जो बांध के बीज होते हैं उनको खा के जो अपना गुजारा करते हैं। हेलो गाइज, आप यहां पर मेरे पीछे देख सकते हो ये है गुलाबी ब्रांस का पेड़। कुछ इस तरह का होता है गुलाबी ब्रांस का पेड़, लेकिन अभी तक इस पर फूल नहीं आए हैं। मार्च के स्टार्टिंग में इस पर फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे या पूरी तरह से आ चुके होंगे। मेरे घर के साथ भी गुलाबी ब्रांस के काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं, जब उस पर फूल आ जाएंगे तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में वो भी दिखाऊँगा। अभी हम जा रहे हैं जंगल के बीचों बीच एक रास्ते से, क्योंकि हमें एक गाँव में भी जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पीने का पानी, यहाँ से हम पानी पीने वाले हैं। और ये है नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, जो कि अंडरग्राउंड वाटर है। सर्दियों में ये पानी जो है थोड़ा गर्म होता है, और जब गर्मी होती है तो उस टाइम जो है ये पानी ठंडा होता है, और जो कि पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए पानी पी लेते हैं फिर। गाइस, जो भी काम था वो तो हमने कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं घर वापस उसी रास्ते से जिस रास्ते से आए थे। अगर बात करें इस फॉरेस्ट की तो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, स्पेशली यहाँ पर बांध के पेड़ जो है काफ़ी ज़्यादा हैं और बड़े बड़े हैं, जिसके कारण यहाँ पर भालू वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। थोड़ा देख कर भी चलना पड़ता है रास्ते में, ताकि कोई भालू ना मिल जाए। अगर भाई भालू मिल जाए तो वो तो आदमी की बुरी हालत कर देता है। भालू के बजाय जो बाघ होता है वो फिर भी भाग जाता है, लेकिन भालू सीधा जो है आदमी के ऊपर ही अटैक कर देता है। तो जा रहे हैं अभी हम घर। तो वापस आकर पहुंच चुका हूं अभी मैं अपने घर। अगर बात करें आज के सफ़र की तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन थक भी बहुत ज़्यादा लगी है। तो इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। होप सो आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।